भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने अपने एक गाने से साधा है पवन सिंह और ज्योति सिंह पे निशाना। जी हाँ, आपने अगर उनका गाना नहीं सुना है तो आदि शक्ति की यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उनका गाना सुन सकते हैं। 6 घंटे में इस गाने ने 3 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ हासिल कर लिए हैं। आपको बता दें कि इस गाने के बोल हैं जाके रहा था आरा, यानी कि सीधे सीधे खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह पर ताना मारा है। ऐसा हमारा कहना नहीं है, जो ये गाना सुन रहा है कमेंट में लोगों का यही कहना है। क्या पवन और ज्योति के रिश्ते को लेकर खेसारी ने ताना मारा है? क्योंकि पवन सिंह आरा से बलिया गए हुए थे ज्योति सिंह के पास जब लॉकडाउन था तभी, फिर वहाँ वो कुछ दिन रहे और फिर वो अकेले ही वापस अपने घर अपनी मम्मी के पास आ गए, लेकिन उनके साथ ज्योति नहीं आई। ऐसे में पवन और ज्योति के फैंस को काफ़ी निराशा हुई कि ये दोनों साथ में क्यों नहीं रह रहे। और सोने पे सुहागा खेसारी के इस गाने ने आग में घी का काम कर दिया है। लोगों का यही कहना है कि खेसारी ने सीधे सीधे ताना पवन और ज्योति पे ही मारा है, क्योंकि ये दोनों इस वक्त एक दूसरे से दूर रह रहे हैं। और ये बात तो आप सभी जानते हैं कि आरा तो पवन सिंह का पैतृक गांव है ही। अब ऐसे में अगर कोई भी सिंगर इस तरह का गाना गाए जो कि आपका राइवलरी रहा हो, तो लोग उसे ताना तो समझेंगे ही। अब भले ही खेसारी के ये पूरे गाने को सुन लेंगे तो फिर समझ में आएगा कि खेसारी ऐसा कुछ कह ही नहीं रहे हैं, बल्कि उनका तो कहना कुछ और ही है। लेकिन टाइटल इस कदर का है कि लोग सोच रहे हैं कि खेसारी ने इस बार फिर कोई धमाका किया है, या यूं कह ले कि फिर कोई कंट्रोवर्सी की है अपने और पवन सिंह को लेकर। अब ऐसे में खेसारी लाल यादव का ये गाना अगर पवन सिंह के फैंस को टोंट लगे तो गलत नहीं है, लेकिन आपको फिर अपील की जाती है आप ये गाना पूरा सुनिए, तब आपको यकीन हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि खेसारी ने टोंट मारा है, तो आपको बता दें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये गाना सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि खेसारी ने पवन सिंह को कहीं भी ताना नहीं मारा है। हाँ, वो तो गाने के बोल इस कदर है और खेसारी ने गा ही दिया है उसे। इसके बदले अगर अरविंद अकेला कल्लू या रितेश पांडे जैसे कोई भी कलाकार गाते, कोई भी सिंगर इस गाने को गाते, तो ये विवाद नहीं खड़ा होता। लेकिन अगर खेसारी ने गाया है तो भाई विवाद तो खड़ा ही होगा। आपको बता दें इस विवाद में कुछ नहीं ऐसा है से तूल दी जाए। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।